अनीस अपने YouTube चैनल अनीस ऑस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कारिक और मारिक ग्रह, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लफ्ज़ है, ये उनकी अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। तो कारिक का मैंने पहले भी बताया आपको कि कारिक का मतलब होता है अच्छा फल देने वाले, अच्छा रिजल्ट देने वाले स्टार्स, गुड प्लैनेट्स। इसी तरह मारक ग्रह, ये उस कुंडली में, उस जायचा में ये नाकस असरात देने वाले या नहस स्टार आप कह लें, एस्ट्रोलॉजी में ये भी लफ्ज़ यूज़ होता है, तो ये मारक वो ग्रह। तो पीछे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एरीज से लेकर स्कॉर्पियो सेंडेंट तक तमाम मारक और कारक और कारक और मारक ग्रह की डेफिनेशन बताई, उनकी पोजीशन बताई और उनकी प्लेसमेंट पर उनका कैसा रिजल्ट होगा वो भी आपको बताया। आज मैं बुर्ज कौस का जायचा, सेजिटेरियस असेंडेंट या धनु लगन की कुंडली, आज इसका आपको बताऊंगा, इसके बारे में कारक और मारक ग्रह की पूरी तफसील बताता हूं मैं। तो शुरू करते हैं। ये कुंडली, ये जायचा, ये जोडिक चार्ट, ये लगन में 9 नंबर लिखा है, जिसका मतलब है कि ये बुर्ज कौस की या बुर्ज कौस का जायचा है, क्योंकि ये लगन है। मैंने पहले आपको बताया था कि हर कुंडली लगन से स्टार्ट होती और ये इस कुंडली का स्टार्ट बुर्ज कौस से या धनु राशि से या सेजिटेरियस आप कह लें असेंडेंट से शुरू होगा। तो इस कुंडली का, इस जायचे का लॉर्ड जो है वो मुश्तरी होगा, क्योंकि कौस, बुर्ज कौस का मालिक या लॉर्ड जुपिटर या जिसको आप मुश्तरी कहते हैं, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको बृहस्पति या बृहस्पत और गुरु भी कहा जाता है। तो इस कुंडली में, इस जायचा में मुश्तरी सबसे अहम स्टार हो गया, क्योंकि ये कुंडली, ये जायचा, ये 12 के 12 घरों का मालिक मुश्तरी हुआ। अब मुश्तरी ने अपनी पार्टी और अपनी एंटी पार्टी को अपने इस कुंडली में, अपने जायचा में घर अलॉट किए। उसमें सबसे पहले शनि या जिसको जोहल कहते हैं, खाना माल में बुर्ज जो है वो कैप्रिकॉन या जिसको जद्दी कहा जाता है, बुर्ज जद्दी वो है, और इसका लॉट जोहल शनि या सैटर्न होता है। तो दूसरा और तीसरा घर शनि को अलाट हुआ, जोहल को अलाट हुआ, और जोहल और मुश्तरी ये दोनों एंटी पार्टी, और उनको खाना माल भी दे दिया इसने, और साथ में मेहनत, छोटे बहन भाई और छोटे छोटे सफर का खाना देकर इसने इसको मारक ग्रह की पोजीशन दे दी। हालांकि ये माल, खाना माल बहुत अहम होता है, लेकिन चूंकि पसंद नापसंद पार्टी एंटी पार्टी की थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये जो खाना माल है, जो दूसरा घर है, वो लगन का या पर्सनालिटी का या जिसका ये चार्ट है, कुंडली है, उसका वो एंटी है, उस लॉर्ड का ये एंटी है, इसको मारक ग्रह की पोजीशन दे दी। इसी तरह जायचे का चौथा घर, ये मुश्तरी ने खुद अपने पास रखा, ये सुखा घर, वालदा का घर, जाति सवारी, जाति रिहायश, नेटिव लैंड, और भी बहुत मंसूबात हैं इससे, लेकिन बहुत अच्छा घर, बहुत मजबूत घर, और केंद्र का घर दिया, पर्सनालिटी में खुद आ गया। और ये जो खाना है, लगन जो है, ये
त्रिकोण का भी पहला घर है और केंद्र घरों का भी पहला घर है। ये सबसे अहम घर चार्ट में सबसे मजबूत घर केंद्र घर होते हैं, पहला, पांचवा और नौवां। इसी तरह दूसरी पोजीशन जो है वह केंद्र घरों की है, पहला, चौथा, सातवां और दसवां। ये बहुत अहम घर होते हैं कुंडली के। तो ये दो घर उसने अपने पास रख लिए, बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में बैठा। लॉर्ड है, अपनी मर्जी का मालिक है, जिसको जो सा मर्जी घर दे दे। अब यहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्लेसमेंट ऑफ स्टार से उनका रिजल्ट निकालने का आपको बताया था। अब ये देखें इस कुंडली में यकसर चेंज हो गया कि उसमें बुर्ज अकरब में मार्स ने, मरीख ने शनि को तीसरा और चौथा घर अलॉट कर दिया और सम की पोजीशन दी, ना दोस्त ना दुश्मन। लेकिन इस कुंडली में जो के मार्स का दोस्त है, एक ही पार्टी के हैं मुश्तरी, उसने शनि को दूसरा और तीसरा घर दे के इसको मार्क की पोजीशन, बैड प्लैनेट की पोजीशन, नाकस सियारे की पोजीशन या नहस सियारे की पोजीशन पे अलॉट कर दिया। इसी तरह पांचवा घर जो त्रिकोण घर कहलाता है, अहम तरीन घर एजुकेशन का, आपकी बुद्धि, आपकी अकल, आपकी औलाद, आपकी लव रोमांस से रिलेटेड, आपकी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, वो घर दिया। ये त्रिकोण का दूसरा घर, पहला और दूसरा घर, और इसके साथ साथ उसने इसको बारहवें घर की पोजीशन पे बैठा दिया। लेकिन इस घर की वजह से इस कुंडली में मार्स, जिसको आप मरीख कहते हैं या मंगल कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, वो कारक गिरा, यानी के साध स्यारा, अच्छा स्यारा, अच्छा रिजल्ट देने वाला स्यारे की पोजीशन दे दी। इसी तरह तीसरे नंबर पे ये कुंडली का छठा घर है, कंपटीशन का घर है, कर्जे का घर है, लिटिगेशन का घर है, मुकाबले का घर है और बड़ी बीमारी या रोग का घर है। जोहरा को छठा घर दिया इसने और साथ साथ ख्वाहिशात का घर दे दिया, जो कि ख्वाहिशात का भी घर है, बड़े बहन भाइयों से तल्लक का भी घर है और अपनी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। इस नाकस घर की वजह से ये घर भी नाकस हो गया। ये समझने वाली चीज़ें हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये छठा घर, छठा, आठवां और बारहवां, इसको तरकेश कहते हैं। ये नाकस तरीन घर होते हैं। एक खास थ्योरी के अलावा जो भी स्टार इस घर में जाएगा वो नाकस रिजल्ट देगा। और ये जोहरा के दूसरा और सातवां घर होता है और इसने छठे और ग्यारहवें घर में उनको पोजीशन दे के इसको मारक गिरा की पोजीशन दे दी, यानी कि बैड प्लैनेट की पोजीशन दे दी। इसी तरह बुर्ज कोस के जायचा में धनु लगन की कुंडली में, कोस को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धनु कहा जाता है या धन कहा जाता है, अतारत को, या आप इसको मरकरी कह लें या बुध कह लें, उसने तीसरे घर में और छठे घर में उनको अलॉटमेंट दे दी। तीसरा घर पार्टनरशिप, डेली वेजेस, अवाम का घर, दसवां घर आपका प्रोफेशन और आपका कर्म, इंतहाई अहम घर। और इस घर की वजह से इन दोनों स्टार्स को उसने, क्योंकि एंटी पार्टी है, सम की पोजीशन दे दी। यहां पे एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैंने भी यही पढ़ा है, आप भी यही पढ़ते होंगे, हर जगह पे ये बताया जाता है कि मुश्तरी और अतारत मुखालिफ हैं, ये एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं। ये गलत है, क्योंकि मुश्तरी ज्ञान का सियार, सियारा,
अकल का, इलम का, आप कितने इंटेलिजेंट हैं उस और आप में कितना इलम है, आप कितने बड़े आलिम हैं या कितनी आप में अल्लाह ताला ने अकल अता फरमाई है, वो मुश्तरी बताता है। और ये अतारत जो है ये हमारे दिमाग से रिलेटेड, जो ज्ञान जो इलम है उसको आगे ये सर्व कैसे करना है, उससे काम कैसे लेने हैं, ये अतारत के जुमे होता है। ये दिमाग का मालिक है, ये अकल का मालिक है। तो ये इस थ्योरी के मुताबिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन दोनों को सम की पोजीशन देती, ये एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, ये दूसरे के एंटी नहीं है, ये एक दूसरे की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट आपका मैंने क्लियर कर दिया, और इसमें आप मज़ीद स्टडी करके इसको क्लियर कर सकते हैं कि अतारत और मुश्तरी ये आपस में मुखालिफ या दुश्मन या नहस नहीं है। एक इलम का स्यारा है और दूसरा अकल और बुद्धि का स्यारा है, और ये दोनों चीज़ें लाजमो मलजूम हैं। अगर किसी के पास अकल ही नहीं होगी, दिमाग ही नहीं होगी, तो वो इलम कैसे हासिल करेगा। ये बहस लंबी हो जाएगी, मैं इस पर बाकायदा पूरा एक लेक्चर दूंगा, वीडियो लाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। अब बुद्ध को इसने, मुश्तरी ने बुद्ध को सातवें और दसवें घर का मालिक बनाकर इसको सम की पोजीशन दे दी, लाजमो मलजूम, ये दोनों लाजमो मलजूम हो गए, यहाँ बिल्कुल उसके सामने और यहाँ वो प्रोफेशन के घर में, ज़बरदस्त पोजीशन दे दी दोनों। इसी तरह मुश्तरी ने या बृहस्पत ने या गुरु ने या जुपिटर ने कमर को आठवें घर का मालिक बनाया, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया छठा आठवां और बारहवां ये तर्केश घर बोला जाता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन्हें तर्केश कहा जाता है। ये नाकस त्रीन घर, आठवां इससे भी नाकस और बारहवां इससे भी नाकस, लेकिन इन दोनों घरों में सबसे नाकस घर ये आठवां घर। और अब यहां पे कमर और मुश्तरी एक ही पार्टी के हैं और आपस में इंतहा की दोस्ती रखते हैं, अगर ये दोनों स्टार इकट्ठे किसी भी घर में हो, छठे आठवें और बारहवां, बारह के अलावा, छठे आठवें और बारहवें घर के अलावा ये कुंडली में कहीं भी इकट्ठे बैठे हों, तो ये गज कैसरी योग बनता है। गज का मतलब हाथी, कैसर जो है वो सोने को कहा जाता है, हाथी जितना सोना, इतने ज़बरदस्त आपस में ये दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और इंतहा की इंसान को बुलंदियों पे लेके जाने वाले, माल और दौलत, इज्जत, इलम, हर एक चीज़ में बहुत आउट क्लास योग बनता है। और ये दोनों इकट्ठे हों तो गज कैसरी योग कहा जाता है। लेकिन इस कुंडली में, इस जायचे में वही बात आ गई प्लेसमेंट वाली, ये इंतहाई अहम चीज़ है, और यहीं से अक्सर जो प्रडिक्शन है वो गलत की जाती है, क्योंकि हमें प्लेसमेंट से उनके रिजल्ट लेने ही नहीं आते। अब इस घर में बैठा हुआ कमर, जो कि इस कुंडली में आठवें घर का मालिक है, वो अगर पर्सनालिटी पे बैठ जाएगा तो आठवें के असरात लेके बैठेगा, वो चौथे घर में बैठेगा तो आठवें के असरात लेके बैठेगा, वो दसवें घर में जो कि प्रोफेशन का घर है अगर उसमें बैठेगा तो इसके आठवें घर के असरात साथ ही रखेगा। एक्सीडेंटल लाइफ, हर्डल्स, तकलीफें, परेशानियां, ये एस्ट्रोलॉजिकली रिसर्च के मुताबिक ये इसके रिजल्ट आपको बता रहा हूं। इसी तरह सूरज, मुश्तरी ने सूरज से दोस्ती निभाते हुए इंतहाई अहम घर अलॉट कर दिया, नौवां घर, त्रिकोण का तीसरा घर, इंतहाई अहम घर, भाग्य का, जिसे हम मुकद्दर कहते हैं, वालत का घर, बैरन मुल्क सफर का घर,
और सबसे ज्यादा मजहब से वाबस्तगी, मजहब से कितना लगाव रखने वाली पर्सनैलिटी, वो इस घर से देखा जाता है। इंतहाई अहम तरीन घर, और ये हमारे अबाओ अजदाद को भी दिखाता है। तो सूरज को नौवें घर अलाट करके, नौवा घर अलाट करके मुश्तरी ने इसको, सूरज को इस कुंडली में, इस जायचे में योग का रक गिरा बना दिया। इंतहाई अहम तरीन, मुश्तरी के बाद अहम तरीन घर दे दिया उसको, क्योंकि इसका एक ही घर होता है। जितना मजबूत इस कुंडली में मुश्तरी है, उतना ही मजबूत इस कुंडली में सूरज। इसी तरह आज मैंने आपको बुर्ज कोस का जायचा, धनु लगन की कुंडली और सेजिटेरियस असेंडेंट का चार्ट, इसकी पूरी तफसील बता दी, कारक और मारक गिरा की डिटेल तफसील से बताई। कोई कमी बेशी हो या जिस चीज़ की आपको समझ ना लगती हो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसमें मज़ीद, आपको जो आप पूछना चाहते होंगे, मैं उसका जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी।